आज मैं बात करूंगी सूर्य नमस्कार के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी सूर्य नमस्कार के लिए, तो सोचा मैंने कि मैं इसमें वीडियो बनाऊं। इस सूर्य नमस्कार करने से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, ये हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही हमारे वेट लूज करने में हेल्प करता है, और आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी की मसल्स टोन अप हो रही हैं। साथ ही ये हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है सूर्य नमस्कार को। देखरेख में ये सूर्य नमस्कार करें, और फीमेल्स हमारी ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल इसका अभ्यास ना करें। मैं बात करना चाहती हूँ उन 5 आसनों के बारे में जो हमारे पेट को कम करता है, और आप देखेंगे कि इस आसन के प्रैक्टिस से आपका आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस हो गया है और आपका फ्लैट टमी हो गया है। आज मैं बात करूँगी उन सब आसनों के बारे में। सो फ्रेंड्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज हम उन आसनों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पेट को कम करने में हेल्प करता है। आज हमारे साथ संजय हैं जो आसन करके दिखाएंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि आसन को कैसे किया जाता है, साथ ही साथ हमारी ब्रीदिंग को कैसे करना है व्हाइल डूइंग दी आसन। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उत्तान पाद आसन से। अभी संजय शवासन में रिलैक्सेशन पोज में थे, अभी दोनों पैरों को हम मोड़ेंगे। हमें दोनों पैरों को मिडिल में लेकर आना है, हमारे जो हाथ हैं वो इट शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, हमारे पाम्स ऊपर नहीं होंगे, नीचे रहेंगे। अब हमें अपने बेली बटन को वी नीड टू टक, उसको टक करेंगे, एंड वाइल टकिंग इन बेली बटन हमें अपने पैरों को 30 डिग्रीज उठाना है दोनों पैरों को एक साथ। अगर आपको कमर में दर्द है तो यू कैन डू इट वन बाय वन। आपको ध्यान रखना है इट शुड बी ओनली 30 डिग्रीज, इससे ऊपर ये नहीं जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि आपको इस आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक इस आसन को रोकना है। जितनी आपकी कैपेसिटी आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, और कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। आप इस आसन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके पूरे पैर अपने पेट में कैसा प्रेशर पड़ रहा है। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे, हम पवन मुक्त आसन करने वाले हैं। उसके लिए हमें अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है और अपने दोनों हाथों को टक करके अपने घुटनों के नीचे रखना है, और अपने अपने पेट को प्रेस करना है, और फिर धीरे धीरे अगर आपकी गर्दन में आपको दर्द है और आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को यहीं पर ऐसे होल्ड करेंगे, अपने दोनों पेट को एक्सहेल करते हुए इसको होल्ड करेंगे, और उसके बाद अगर आप ब्रीदिंग नहीं होल्ड कर पाते हैं तो आप मध्यम गति से अपनी ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर सकते हैं, और अगर आपको गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको धीरे से गर्दन को ऊपर उठाना है। मेक श्योर कि आप अपर बैक से गर्दन को उठा रहे हैं, मेक श्योर कि आपका गर्दन पे प्रेशर ना पड़े, आपको ये इस तरीके से करना है जैसे कि अभी संजय कर रहे हैं। आपको लोअर आपको अपने अपर बैक से ऊपर उठना है, और अपने नोज को या चिन को अपने दोनों नीज के बीच में लगाना है धीरे धीरे। वापस पहले अपनी हम नेक को रिलीज करेंगे, फिर अपने हाथ को खोलेंगे और अपने पैरों को हवा में लेकर जाएंगे, और धीरे से नीचे रखेंगे। रिलैक्स। थर्ड आसन हम करेंगे, थर्ड आसन का नाम है सेतुबंध आसन। थर्ड आसन को करने के लिए हमें अपने दोनों पैरों को मिड में लेकर आना है, अपने घुटनों से अपने पैरों को मोड़ना है, और फिर इसके बाद एक्सहेल कर, फिर आपको मेक श्योर यू टक योर बेली बटन इनसाइड, और फिर उसके बाद आपको इनहेल करते हुए अपने बैक को ऊपर करना है, और
और आपका जो पूरा प्रेशर है वो कंधे पे जाएगा और इसी पे होल्ड करना है आपको। दोनों आपके नीज जो हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए, हमारा जो बेली बटन है वो टक होना चाहिए अंदर, और जो हमारे हिप को टाइट करना है और हमारे साथ साथ आपकी थाई को भी टाइटन करना है, और हमारा जो ये चिन है उसको हमें चेस्ट से टक करके रखना है और एक्सहेल करते हुए वापस नीचे जाना है। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे नौका आसन। इसके लिए हमें अपर बॉडी को उठाना है हमारी शोल्डर हमारी जो एल्बोज के हेल्प से इस तरह। इसको करने से आप देखेंगे कि आपका जो बैक है वो स्ट्रेट हो गया। आप धीरे धीरे अपने लोअर बॉडी से अपने पैरों को उठाएंगे और दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे। इस तरह इस आसन को करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको हाथों को इस तरह नहीं रखना है, हल्का सा रिलैक्स रखना है। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और पैर इस तरह उठे होने चाहिए। रिलैक्स, दिस इज द राइट पोजिशन ऑफ डूइंग नौका आसन। नेक्स्ट आसन करेंगे, इसमें हमें अपने पैरों को मोड़ना है और अपने अंगूठे को नाक से लगाने की कोशिश करनी है। अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ेंगे ग्रिप बनाकर, और अपना धीरे धीरे मेक श्योर आप अपर बैक से उठ रहे हैं, अपनी गर्दन को ज़्यादा टेंस ना करें और इसका टच करने की कोशिश करें। रिलैक्स, वापस जाएंगे। इसी तरह आप दूसरे पैर से भी रिपीट कर सकते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। बस आप अपनी गर्दन को रिलैक्स रखें, इसमें आप अपर बैक से उठेंगे। रिलैक्स, अब इसको हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैर की फीट्स को एक दूसरे से टच करेंगे, हाथ का ग्रिप बनाकर जैसे कि अभी कर रहे हैं, और धीरे से अपर बैक से उठते हुए नाक से अपने दोनों अंगूठे को टच करने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन पे रुकेंगे जितना आप रुक सकते हैं और धीरे धीरे इस पोजीशन को रिलीज करेंगे। आई एम श्योर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि इन पांच आसनों को कैसे करना है। आई एम श्योर फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस सिंपल योगासन विच विल हेल्प यू रिड्यूस योर बेली फैट। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स थे जिन्होंने बार बार बोला था कि मुझे कोई ऐसे आसन बताओ जिससे कि पेट का फैट कम होता है, तो आप प्लीज़ इसे करें और इसका फ़ायदा लें। सो फ्रेंड्स इफ यू आर डूइंग दिस योगा टू लूज योर वेट यू हैव टू मेक श्योर दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगासन एंड सूर्य नमस्कार इज डन डेली एंड आपकी प्रॉपर डाइट भी साथ में फॉलो हो। हेलो फ्रेंड्स आई एम सुनीता रॉय चौधरी न्यूट्रिशनिस्ट एट healthynudges.com। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ वन कैन इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म टू रिड्यूस बेली फैट। Let's first understand what metabolism actually is. Metabolism refers to all the chemical reactions that take place in the body. Some of these reactions use energy and some release energy. When we talk in context of losing weight, metabolism actually refers to the BMR. BMR or the basal metabolic rate is the count of the energy that the body uses for its internal functions like the heartbeat, blood circulation, respiration, etc. But the question now arises why one should increase the BMR. Increasing BMR increases the amount of energy spent by the body for its internal functions. And when output is greater than the input, there is less weight gain. So then, how to increase BMR? Certain foods and drinks help to increase the BMR. Also, how and when we eat affects the rate at which the body spends the energy. Exercise, proper sleep and stress management also have an effect on the BMR. Let us now talk about the foods that help to increase the BMR. High protein foods like milk, eggs, nuts, etc. Legumes and pulses like lentils, peas, chickpea, beans, etc. High fiber foods such as whole grains, brown rice, oats, fresh fruits, vegetables, sprouts. Nuts and seeds like almonds, walnuts, flax seeds, pumpkin seeds, chia seeds. Caffeine in coffee, catechins in green tea, and capsaicin in chilies all help to boost the BMR. Water is required for all the metabolic activities, so we need to take enough water daily.
Eating small meals at frequent intervals reduces per meal calories and so the accumulation of fats. People who eat in between meal snacks tend to eat less during the main meals and so consume lesser calories. Certain foods reduce the energy expenditure and lower the BMR. These are refined foods like bread, pasta, made of refined flour, white rice, etc. High sugar foods and sugary beverages, alcohol, large and heavy meals with too much fat, crash diets, insufficient calcium and vitamin D in diet. Thanks for watching the video. For more videos, log on to www.healthynudges.com. Please subscribe to our channels to support us. Healthy Nudges and Yoga at Home. For online yoga classes, kindly visit www.healthynudges.com.